दौसा के रामकंठ जोशी अस्पताल में उस समय हंगामा पसर गया जब यहां प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत की खबर जैसे ही परिजनों को मिली उन्होंने अस्पताल में हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई है। डेढ़ घंटे तक महिला को देखने के लिए ना तो कोई डॉक्टर पहुंचा और ना ही कोई नर्स। सर जी डेढ़ घंटे पहले इसके खून की उल्टी हुई, उसके बाद में इन्होंने अंदर भर्ती कर लिया। इमरजेंसी में ले जाने के बाद में डेढ़ घंटे बाद में इनका कोई जवाब नहीं आया। लास्ट में जाके ये यू बोल रहे हैं कि इसको जयपुर रेफर कर रहे हैं। मैंने बोला एफिडेविट कार्ड बनाओ तो उस पर साइन करवाओ। नहीं, इन्होंने एफिडेविट कार्ड बनवाया, उस पर साइन करवाया, उसके बावजूद ये खाली पेपर पर बच्चे से साइन करवा रहे। खाली पेपर पर मत करियो। फिर उसके बाद में 10 मिनट बाद में इन्होंने खुद पता नहीं क्या भरा क्या नहीं। मैंने पूछा भाई किस चीज पे साइन करवा रहे हो, कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास उसकी वीडियो भी है बनी हुई, कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद में इन्होंने वो चीज बंद कर दी। मैंने बोला कि हम उठा रहे हैं, हम जब देखने गए तब ये मृत घोषित हो चुकी थी। उन्होंने बोला पोस्टमार्टम होगा। मैं कि डेढ़ घंटे से तुम क्या जख मरा रहे थे कि अर्चना मैडम कहा है जिसका केस है, जब तक नहीं आई उनको बुलाओ ना आप। उसके बाद में बोला कि वो आ रही है कि जो ऑपरेशन थिएटर में। कौन थे वो लोग जो कहने वाले थे? कहने वाले डॉक्टर की रिपोर्ट है सर, मैं नाम से नहीं जानता, वीडियो बनी हुई है सारी मेरे पास है रिपोर्ट। सुबह बिल्कुल सही थी, मैं 8 बजे मिल के गया हूँ, चाय दूध दिखा के गया हूँ कि पापा मैं जयपुर जाऊँ कि आप पापा जी चली जाओ। 9:30 बजे खून की उल्टी आई है, जिसके बाद में इन्होंने संभाला नहीं, अर्चना का नाम लगा दिया। अर्चना का कैसे अर्चना संभालेगी? कौन सा डॉक्टर था? दो की जगह 4 इंजेक्शन लगा दिए इन्होंने कल। डॉक्टर कौन था? अर्चना का है ये केस। किसी ने अपनी पत्नी को खो दिया तो किसी ने अपनी बेटी को खो दिया। डॉक्टरों की लापरवाही ने इनसे इनकी खुशियां छीन ली। बच्चे की डिलीवरी के लिए परिवार उत्सुक था, खुश था, लेकिन किसी की लापरवाही ने इनकी उस खुशी में ग्रैंड लगा दिया। लिहाजा इन लोगों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। न्याय की मांग के लिए यहां परिजन आत्महत्या करने पर उतर आए हैं। काफी देर तक हंगामा होने के बाद पुलिस ने हंगामा शांत करवाना चाहा, लेकिन परिजन चुप होने को तैयार नहीं थे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि एक डॉक्टर जिस पर महिला के इलाज की जिम्मेदारी थी वो अस्पताल में पहुंचे ही नहीं, जिसके चलते प्रसूत को इलाज नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रसूता की मौत को लेकर ये परिजन लापरवाही का आरोप लगा रहे थे डॉक्टरों पे और हॉस्पिटल प्रशासन पे, उसको लेके ये संतुष्ट नहीं थे। अब इनकी समझाइश की गई है और पोस्टमार्टम करवा देंगे, रिपोर्ट जैसी आएगी उसके अनुसार जाँच कर लेंगे, उसी से क्लियर हो पाए। हाँ, अभी कोई परिजन आवश्यक होकर कुछ पेट्रोल पंप वगैरह पेट्रोल डालने की कोशिश कर रहे थे, इनको समझाइश कर दिया गया। हाँ, कुछ लोगों को समझाइश के लिए, ज्यादा शांति भंग करने के लिए हिरासत में लिया। एक और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है तो वहीं अस्पताल में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। डॉक्टरों ने मामले में चुप्पी साध ली है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और कब तक बेबस परिवार को न्याय मिल पाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए दौसा से HN पांडे की रिपोर्ट।